हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल खपतुर इज़ किंग। यहाँ पर देखिए गाइस, हमारे सारे खपतुर सुकून से बैठे हैं। गाइस अभी इफ्तार करने में टाइम है, इसलिए मैं वीडियो निकाल के आपके शेयर कर देता हूँ। एक कमेंट आया है गाइस, हमको खपतुर पालने का शौक है लेकिन हमारे घर का टेरस नहीं है, हमें कैसा पालना है कि बता दीजिएगा बोल के। ये वीडियो का थंबनेल देख के ही आपको मालूम हो जाएगा। वो एक फ़ोटो शेयर करता हूँ गाइस, थंबनेल में लगा देता हूँ, वैसा आप कर सकते हो गाइस। अब ज़मीन पर भी देखिए गाइस, दाने डाल दिया हूँ ना, चिड़िया वगैरह भी आके खा रहे थे, इनको दाने डाल दिया हूँ। पानी भी चेंज कर दिया हूँ गाइस, हमारे प्लांट्स को भी पानी लगा दिया हूँ, जाके सुकून से बैठे है गाइस। देखिए वो बच्चों को फीड करा देती है, वो वाइट वाली एक नर बेटा है गाइस, इसमें ये अंडा देने वाली है गाइस। अभी मुझे लगता है इसका मेल बाहर है, वो जाके अंदर बैठी है गाइस, देखेंगे। इसमें ये वाइट वाली उसको बच्चे को फीड करा देती है, और इसमें दो बच्चे हैं ना गाइस, उनको भी उसके माँ बाप ने फीड करा दिए हैं, जाके वो दो वहाँ पर बैठे हैं गाइस। अकाउंट हमें एक फ़ोटो में थंबनेल में लगा देता हूँ बोले ना, उनको पास है बिल्लियाँ गिदम वगैरह भी है, लेकिन उन्होंने अच्छे तरह से खपतुर को भी पाल लेते हैं, वो उनको अटैक भी नहीं करते हैं गाइस, ऐसा आदत डाल दिए है उन्होंने। आप भी वैसा करना है गाइस, आप ग्राउंड में पालना है तो एक अच्छे तरह एक 10 फुट की एक लकड़ी को ले लीजिए गाइस, उसके ऊपर एक लकड़ी को ऐसा खड़ा दे के उसके ऊपर ऐसा कुछ ना कुछ बना लीजिए गाइस, एक चकला वगैरह रख लीजिए, उसके ऊपर केस जैसा बना लीजिए, या पार्टीशन बना दीजिए खाने वगैरह। यहाँ पर मैं फ़ोटो भी अटैच कर देता हूँ, वैसा ही कर दीजिए गाइस। वहाँ पर एक पहले में हमें आदत डालते हैं ना, एक फर बांधने के एक 10-15 दिन फर बांधते हैं, उसके बाद में अच्छा आदत कर दीजिए गाइस, वैसा ही। उसके बाद में अभी फिक्र होने का ज़रूरत नहीं है, फर खोलने के बाद अच्छे तरह वो जाके उसमें ब्रीडिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, ऐसा ही कर दीजिए। यहाँ पर देखिए गाइस, मेल खपतुर जाके यहाँ पर बैठा है, ये अंडे देने वाली है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, जाके दूसरा खाना में बैठा है, इसका मेल वहाँ पर जाके बैठा है गाइस, अच्छे तरह से बच्चों को फीड करा चुका है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, टेररिस्ट नहीं है। तो क्या हमें ग्राउंड पर ही थोड़ा बहुत हाइट देख लेके, 10 फुट का हाइट देख लेके अच्छे तरह हमें इनका केजेस बना सकते हो। ये मैं खुद बनाया हूँ गाइस, मेरे हाथों से ही, ये फ्रिज के बैक साइड आते हैं ना झाली, वो झाली सारे ले लिया हूँ गाइस, मैं ये ले लेके अच्छे तरह मैं पार्टीशन बना हूँ गाइस, एक नव खाने की बन चुके हैं, बहुत ही डेप्थ है गाइस ये, तो ब्रीडिंग करने बहुत ही आसान रहेगा। जब भी ब्रीडिंग को देते हैं ना, आप विड्थ थोड़ा कम रखिए लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा रखिए गाइस, वो बच्चे अंदर रहते हैं ना, वो बाहर को आने का, वो फीडिंग के वक्त बाहर का आते हैं गाइस, वैसा नीचे गिर गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए डेप्थ अच्छा तरह रख लीजिए गाइस। इसके में दो बच्चे आपको दिखते हैं, ये थोड़े बहुत, ये तीन खानों में भी के बच्चे थोड़े बहुत बड़े होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ गाइस, उनके रंग निकलने तो देखने में और बताने में भी प्यारा लगेगा, मैं तभी बता देता हूँ गाइस, एक वन वीक के बाद में देख लीजिएगा। सारे खपतुर अच्छे तरह बैठा है अभी तो। थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो में इतना ही है, अभी आपको क्या तो डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो आपको इंटरेस्ट लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस। थैंक यू।